गेट 22 से पहले मैंने दो चीज कहा था। मैंने कहा कि गेट पेपर की डिफिकल्टीज इस साल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो आप कंसीडर करके चलो मीडियम टू हार्ड लेवल प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है। द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई सेड कि गेट एग्जाम की पैटर्न शायद चेंज हो सकता है, बिकॉज MSQ इंट्रोड्यूस हो गया, NAT तो बहुत पहले ही हो गया था, तो ये दोनों मिला के शायद कुछ स्ट्रेंज पैटर्न IIT ने दे सकता है। एंड द एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंड दिस ईयर। क्वेश्चन तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आया था, लेकिन एक स्ट्रेंज पैटर्न स्टूडेंट के सामने आ गया एंड दे गॉट रियली रियली कंफ्यूज्ड। तो क्या ये सारे चीज गेट 23 में भी रिपीट हो सकता है या फिर समथिंग एल्स माइट हैपन इन गेट 23? आज इस वीडियो में हम एंटायरली डिस्कस करेंगे एंड देयर विल बी स्पेसिफिकली 3 डिफरेंट सेक्टर्स जहां पे गेट 23 कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली क्वेश्चन पैटर्न। एज आई ऑलरेडी सेड, गेट 22 आपको दिखा दिया कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे चेंज कर सकते हैं IIT प्रोफेसर ने, एंड दिस इज नॉट वेरी अनकमन। अगर आप JEE की पेपर देखो, JEE एडवांस की पेपर देखो, जो IIT प्रोफेसर सेट करते हैं, उनकी डिफिकल्टीज हमेशा ऐसे ही सेट हो जाता है एंड उनकी पेपर की डिफिकल्टीज ऐसे ही सेट होता है जस्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो दैट्स वाई दे हैव इंट्रोड्यूस्ड NAT एंड MSQ, क्योंकि देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एन MCQ क्वेश्चन इज स्टिल हाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एन NAT क्वेश्चन इज स्टिल प्रीटी मच लोअर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एन MCQ क्वेश्चन, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एन MSQ क्वेश्चन इज वेरी वेरी लो, क्योंकि वहां पे आपको एक कॉम्बिनेशन चूज करना होता है। NAT में क्या होता है कि आपको एक न्यूमेरिकल आंसर तो देना है, दैट्स वाई इट इज रियली डिफिकल्ट देन द MCQ, लेकिन MSQ में आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। हो सकता है एक करेक्ट है, हो सकता है तीन करेक्ट है, चार भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका सारे के सारे करेक्ट आंसर देना होता है। अगर आप करेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे तो यू कैन नॉट गेट एनी सिंगल मार्क। हाँ, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक बड़ी बात है, लेकिन यू कैन नॉट गेट एनी फर्दर पॉजिटिव मार्क। So that is how MSQ has made the question paper very very difficult. So that's why gate 23 में भी ये same चीज आपको देखने को मिलेगा। आपको MSQ क्वेश्चन ज्यादा देखने को तो मिलेगा, आपको NAT क्वेश्चन भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। आप अगर आज से 10 साल पहले की क्वेश्चन पेपर के साथ आज की क्वेश्चन पेपर कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, क्योंकि एक टाइम में ऐसा होता था कि फिक्स सेट ऑफ NAT क्वेश्चन आएगा, फिक्स सेट ऑफ अराउंड फिक्स सेट ऑफ MCQ क्वेश्चन आएगा। आज ये टोटली वेरिएबल है, कितना MSQ आएगा, कितना NAT आएगा, कितना MCQ आएगा इज नॉट ऑन योर हैंड, इज नॉट टोटली प्रेडिक्टेबल। तो इन दैट केस आपको ऐसे प्रिपरेशन लेना है ताकि आप ये सारे क्वेश्चन को कंट्रोल कर सकते हो। बट बिफोर दैट, इफ यू आर गेट 23 एस्पिरेंट, देन देयर इज अ वेरी वेरी गुड ऑफर फ्रॉम Unacademy, बिकॉज दे हैव इंक्रीज देयर प्राइस हाइक अप टू अप्रैल 7। सो इफ यू आर सच अ कैंडिडेट हु वांट टू टेक Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लीज टेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज यू कैन सी ऑल द प्राइस लिस्टिंग्स हियर, हाउ मच प्राइस विल बी इंक्रीज, एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट अनदर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माई यूनिक कोड MANISHM10। सो इफ यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर द प्राइस हाइक, you can get a lot of discount, because new batches are continuously starting. For gate CSE 23 aspirants, there will be new Evolve batch will be starting. It will be started with TOC by Sanjit sir, as well as programming and data structure by Reddy sir. And for gate 24 aspirant, there will be 3 new Ascent batch will be starting very soon for mechanical, electrical and civil branch. If you take the Unacademy Plus subscription, you get the entire syllabus coverage, you get all your doubts solved, you get all your subjects and chapters cleared and covered with India's leading faculties. They will provide all the test series, all the mock tests, all the question banks and everything. And at the end, you will get a chance to compete against India's brilliant minds, because a lot of brilliant minds will definitely choose Unacademy for their GATE and ESE journey. And also, as you can see, the batch of 22 has done an incredible performance. If you want to be among all of them in the GATE 23 or 24, please join this batch as early as possible. But take the subscription before the price hike begins. Use my code MANISHM10 to get additional 10% discount. And the second thing is that is also related to the first point ki MSQ question mein आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल तो नहीं होगा, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बहुत नेसेसरी है, क्योंकि MSQ टू बी ऑनेस्ट इज अ फेवरेट गेम ऑफ IIT प्रोफेसर। क्योंकि हम लोग जब IIT में थे, हम लोग की IIT का एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट में MSQ टाइप की क्वेश्चन था। आपको शायद यकीन नहीं होगा, हम लोग का एक मशीन लर्निंग कोर्स था, एक कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी कोर्स था, तो वो सारे सब्जेक्ट के एग्जाम में ना MSQ क्वेश्चन इज अ फेवरेट गेम चेंजर ऑफ IIT प्रोफेसर, क्योंकि उसी सेक्शन से बहुत सारे स्टूडेंट एलिमिनेट हो जाता है। द फर्स्ट थिंग इज आपको एक राइट कॉम्बिनेशन चूज करना है,
हैं एंड एक एक क्वेश्चन में आपको चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट वहां पे टेस्ट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ चार ऑप्शन होता है एंड चार ऑप्शन में आपको चार डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो इसीलिए आपको डेप्थ के साथ साथ ब्रेथ भी कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आपको क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी वहाँ पे नेसेसरी हो सकता है, आपको मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, आपको सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, आपको बबल सॉर्ट की नॉलेज हो सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ मिला के एक क्वेश्चन देता है। दैट्स हाउ द डिफिकल्टीज ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल गेट इंक्रीज। सो दैट्स वाई MSQ माइट बी द गेम चेंजर, क्योंकि MSQ में आपको अगर सही कॉम्बिनेशन नहीं आए तो आपके पास कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर सही कॉम्बिनेशन आ जाए तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, तो वो छोटा परसेंटेज ऑफ लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। सो दैट्स वाई दे विल स्टे अ लॉट अहेड अमंग ऑल अदर स्टूडेंट्स। तो दैट्स वाई आपको शायद पता होगा कि इस साल मार्क्स बहुत कम आया स्टूडेंट का, क्योंकि लॉट ऑफ MSQ क्वेश्चंस वर गिवन एंड ये कोई प्रीडिफाइंड सेट नहीं है कि आपको इतना MSQ मिलेगा, इतना NAT मिलेगा, इतना MCQ मिलेगा, ये कोई प्रीडिफाइंड रूल नहीं है। हो सकता है आपके पास सिर्फ 5 से 10 MCQ क्वेश्चन मिले, हो सकते हैं आपके पास 30 MCQ क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू द हैंड ऑफ IIT प्रोफेसर, इसमें आप और मैं कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। इन दैट केस अगर आप सोचोगे कि कोचिंग सेंटर ने कुछ तो मैथमेटिकल फॉर्मूला बता दिया, उसी फॉर्मूला हम याद करके चले जाते हैं, कोई फॉर्मूला को अप्लाई करके हम कुछ सॉल्व कर लेते, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी दे देंगे कि उसमें फॉर्मूला भी चाहिए, उसमें उसका नॉलेज भी चाहिए, उसमें उसका प्रूफ भी चाहिए, उसमें कुछ और एक डिफरेंट टॉपिक का नॉलेज चाहिए। तो ये चारों कॉम्बिनेशन एक साथ देंगे एक एक क्वेश्चन में, एक एक MSQ क्वेश्चन में। तो आपको पूरा चीज के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, यू कैनॉट सॉल्व दैट MSQ क्वेश्चन एंड गेट 23 विल बी डिफरेंट इन दैट MSQ सेक्शन। तो बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट 23। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, जहां पे गेट 23 क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग हो सकता है एंड दैट इज वेयर कि क्वेश्चन में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सी सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कोई सब्जेक्ट की कोई चैप्टर से कोई क्वेश्चन ना आए, वो एक बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे तो 5-6 मार्क्स इजीली आ जाएगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं आ सकता है। एंड 22 का गेट क्वेश्चन पेपर इज अ रियल एग्जाम्पल। आपको ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे टॉपिक्स मिलेगा जहां से बहुत क्वेश्चन आया जो कि बिल्कुल पॉपुलर ही नहीं है, लोग उसको इग्नोर करके चले गए एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। कोई ऐसे टॉपिक है जो बहुत ही पॉपुलर है एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू गेट एटलीस्ट 5-10 मार्क्स, उसे कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ऐसा भी हुआ था गेट 22 में, तो गेट 23 में भी ये सेम टाइप की चीज हो सकता है। एक टाइप के स्टूडेंट होते हैं तो हम 2-3 सब्जेक्ट को स्किप करके चले जाएंगे, बाकी जो सब्जेक्ट है उससे हम इजिली स्कोर कर लेंगे। तो हो सकते हैं भाई वो 2-3 सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए, हो सकते हैं बाकी जो 7-8 सब्जेक्ट तुमने पढ़ा था उससे बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि कोई श्योरिटी यहाँ पे नहीं है कि कौन सी सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन सी सब्जेक्ट के कितना मार्क्स अलॉट होगा, ऐसा कोई श्योरिटी गेट कमिटी ने नहीं देता है। एंड 22 का क्वेश्चन पेपर इज अ रियल एग्जाम्पल एंड 23 में भी ये सेम चीज आपको देखने को शायद मिल सकता है। तो बी वेरी वेरी कॉशियस, बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। अगर आप कोई कोचिंग की हेल्प ले रहे हो या फिर अगर आप कुछ सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो शायद काफ़ी नहीं हो सकता है। ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रखो कि क्वेश्चन पेपर शायद चेंज हो सकता है, क्वेश्चन पेपर की पैटर्न चेंज हो सकता है, MSQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है एंड कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी चैप्टर से कोई श्योरिटी नहीं है कि कितना क्वेश्चन आ सकता है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अगर आप चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी करना आपके दोस्तों के पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।